ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे गुजरात का। गुजरात में बाढ़ बारिश के बाद अब तूफान का खतरा मंडराने लगा है। कच्छ पर चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। कच्छ में आज चक्रवाती तूफान टकरा सकता है। अगले कुछ घंटे में तूफान यहां पर दस्तक देगा। कच्छ में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, आसमान में 30 अगस्त यानी कि आज का दिन दुर्लभ घटना गुजरात में होने जा रही है। इससे वैज्ञानिक भी काफी हैरान बताए जा रहे हैं। यहाँ पर डीप डिप्रेशन बना हुआ था जो अब साइक्लोन यानी चक्रवाती तूफान में बदलने जा रहा है। 80 साल में ये चौथा ऐसा तूफान है जो जमीन के ऊपर पैदा हुआ और अरब सागर के ऊपर कहर बरपाएगा। तो एक तरफ तो गुजरात के लोग पहले ही बाढ़ बारिश का कहर झेल रहे हैं, तो वहीं आज एक बड़ा चक्रवाती तूफान यहां पर टकराने जा रहा है कच्छ से। इसके बाद हालात वहां पर और भी गंभीर होते नजर आएंगे। प्रशासन ने हालांकि कमर पूरी कसी हुई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो है वो पहले से अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं, जो कि लगातार लोगों को जहां पर बारिश का पानी भरा हुआ है वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। उसके बाद आज थोड़ी मुश्किलें जरूर गुजरात के लोगों के लिए बढ़ सकती हैं। ये 80 साल के बाद चौथी बार ऐसा होने जा रहा है और इसका असर पूरे गुजरात पर पड़ने जा रहा है। इसकी वजह से मौसम वैज्ञानिक काफ़ी हैरान हैं। इस समय गुजरात में भयानक बारिश और बाढ़ के हालात हैं। ऐसे में चक्रवाती तूफान के टकराने से और भी हालात गंभीर होंगे। डीप डिप्रेशन की वजह से ये हुआ है। यही डिप्रेशन साइक्लोन में अब बदलने जा रहा है। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जयेश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेश जी, देखिए पहले से ही गुजरात में बाढ़ बारिश का कहर देखा जा रहा है, लेकिन अब चक्रवाती तूफान का कहर भी आज देखा जाएगा। महज कुछ घंटों में ही कच्छ से ये तूफान जो है टकरा जाएगा। उसके बाद हालात काफी गंभीर हो जाएंगे। प्रशासन कितना तैयार है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं गुजरात के लोगों के लिए? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि कल मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी सीनियर जो सचिव है उनके साथ उन्होंने बैठक की थी और इस जो चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है उसके मुताबिक जो उन्होंने रिव्यू मीटिंग की थी और सारी तैयारियों पर उन्होंने जोर दिया था। जो भी रेस्क्यू के लिए टीमें वहां पर डिप्लॉय की गई है उसके अंदर भी उन्होंने बढ़ावा करने की बात कही थी और उन्होंने आदेश दिए थे कि किसी भी तरह की जान या मान का नुकसान ना हो और जीरो कैजुअलिटी फॉर्मूला को अपनाने की बात उन्होंने की थी। इस चक्रवात के समय जिस प्रकार की स्थिति वहां पर पैदा होगी उससे निपटने के लिए सारी तैयारियां करने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जो और भी जो सहयोगी दल है जो कि जैसे कि एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और पैरामिलिट्री फोर्स है, उन सबको वहां पर डिप्लॉय करके स्टैंड बाय मोड पे रहने के लिए, अलर्ट मोड पे रहने के लिए वहां पर उन्होंने सूचना दे दी है और लोगों को भी कुछ एडवाइजरी जारी की गई है जिसके तहत ये जो समय है उस समय पर तट के नजदीक न जाने की सूचना भी दे दी गई है। साथ ही लोगों को अपने अपने घरों में ही रहने के लिए कहा जा रहा है, अपील की जा रही है और इस जो मुश्किल घड़ी है उसको उसके अंदर लोगों को साथ देने के लिए भी कहा गया है। इस बात का जैसे आपने जिक्र किया कि ये जो घटना है वो बहुत ही दुर्लभ मानी जा रही है क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं ज्यादातर होती नहीं है, लेकिन इस समय जो गुजरात के अंदर भारी बारिश का जो कहर बरपा था उसको लेकर के ये जो है डीप डिप्रेशन जो है जमीन पर क्रिएट हुआ है और वो अभी समुद्र में समाने के लिए कच्छ के इलाके से होकर के गुजरेगा, इस प्रकार की बात मौसम विभाग के द्वारा कही गई है। तो ये 1964 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि इस प्रकार की घटना देखी जा रही है। ठीक है जयेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और अपडेट गुजरात के मौसम से जुड़ा हुआ हमारे दर्शकों को बता देते हैं। गुजरात में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। 12 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। द्वारका वडोदरा के बीच रेलवे सेवाएं ठप हैं इन दिनों और सीएम भूपेंद्र पटेल ने इलाके का एरियल सर्वे किया है। गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दूसरी तरफ अब चक्रवाती तूफान को लेकर भी खतरा गुजरात पर मंडरा रहा है। हमारे सहयोगी जयेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जयेश जी, देखिए जिस तरीके से ये जो तूफान आने वाला है अभी महज कुछ घंटों के बाद ही कच्छ में जाकर टकराएगा, कितना खतरनाक ये हो सकता है? जी देखिए, जिस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है ये जो डिप्रेशन का जो साइक्लोनिक सर्कल बनना है वो एक जो कि तूफान का रूप धारण कर रहा है और कच्छ के अलावा जो सौराष्ट्र के कुछ और भी जो समुद्री तट है वहां पर वो टच कर सकता है। तो
इसका जो जो स्ट्रांगनेस है, जिसकी जो इसकी मजबूती है, वो काफी ज्यादा बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि आकलन ये भी लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से ये डिप्रेशन का जो दबाव वहां पर बना हुआ था, तो इसकी वजह से पूरे गुजरात के अंदर हाल बारिशों ने बेहाल कर दिया है लोगों का, और सारे जो भी नदियां हैं वो उफान पर है, जो हम बार बार खबरों में भी दिखा रहे हैं कि ये पूरे गुजरात को बारिश के वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस प्रकार से ये बारिश हुई है उसको देखते हुए ये काफी ज्यादा भयंकर स्वरूप धारण कर सकता है, और इसी को लेकर के प्रशासन की ओर से भी काफी ज्यादा चेतावनी लोगों को भी दी गई है, और जो जो राहत और बचाव कार्य के लिए जुटे लोग जो है वो भी काफी गंभीर रूप से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, वहीं पर जो एस जी अगर बात करें तो सौराष्ट्र और कच्छ पर इसका गहरा दबाव देखा जाएगा, ऐसे में सौराष्ट्र और कच्छ की जनता के लिए क्या कुछ प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है? प्रशासन के द्वारा यही एडवाइजरी जारी की गई है, जो मछुआरे हैं वो समुद्र में ना जाए, उसके अलावा जो भी समुद्र तट पर रहने वाले लोग हैं वो अपने अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, ऐसी एडवाइजरी पहले तो जारी की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो अपने अपने घरों से ना निकले, और किसी भी ऐसी स्थिति के अंदर जो है कुछ इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है। स्थानीय प्रशासन का जो भी फ्लड कंट्रोल जो सेंटर होता है वहां पर जो कंट्रोल रूम है वो शुरू किए गए हैं, और इसकी एडवाइजरी के साथ साथ ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किए गए हैं, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या के लिए उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करने के लिए कहा गया है। साथ ही जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ सहित जो मिलिट्री की जो कुछ 6 टुकड़ियां जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मदद के लिए यहां पर भेजी गई थी, उसको भी वहां पर डिप्लॉय किया गया है, और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए उनको कहा गया है। ठीक है जयेश जी, सौराष्ट्र और कच्छ के अलावा गुजरात के वो कौन से इलाके होंगे, हालांकि इसका प्रभाव तो पूरे गुजरात पर ही देखा जाएगा, लेकिन इसके अलावा वो कौन से इलाके होंगे जहां पर सबसे ज्यादा असर और भी इसका देखा जा सकता है, और प्रशासन द्वारा उन इलाकों में क्या खासी तैयारियां की गई हैं? जी देखिए, बाढ़ का जो पिछले 4-5 दिन से जिस प्रकार से गुजरात के अंदर बाढ़ आई हुई थी, कई जगहों पर जो है पूरे के पूरे इलाके जो है वो पानी में डूबे हुए थे, वो पानी अभी फिलहाल उतर चुका है। बारिश का जो जोर है वो पिछले 1-2 दिन से कम होता जा रहा है, लेकिन जो पानी उतरने के बाद में जिस प्रकार से वहां पर कीचड़ और मच्छर और जो भी अन्य समस्याएं होती है उसको निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभी जो है काम शुरू किया है। बड़ौदा में भी काफी स्थिति भयंकर थी, बड़ौदा के अंदर एक नया खतरा सामने आया है कि पानी उतरने के बाद मगरमच्छ के जो हमले हैं, मगरमच्छ का दिखाई देना ज्यादा शुरू हो गया है, तो लोगों के अंदर डर मगरमच्छों से भी है। साथ ही अभी जिस प्रकार से कल मौसम विभाग के ने अलर्ट किया था कि आज ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों से टच हो सकता है, तो इसको लेकर के भी लोगों में काफी ज्यादा चिंता है। और जो तटीय इलाके हैं गुजरात के, 1600 किलोमीटर का तटीय इलाका है, वहां पर सब जगह पर अलर्ट इस समय घोषित किया गया है, और जो भी तटीय विस्तार में रहने वाले लोग हैं उनको सुरक्षित रहने के लिए अपील की जा रही है। ठीक है जयेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अपडेट आप सब लगातार ले रहे हैं। द्वारका में फिलहाल हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया, कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर से वहां पर पानी से रेस्क्यू किया गया है। हालात इतने गंभीर हैं कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसी बीच यहाँ पर पानी में कुछ लोग फंसे हुए थे जिनको हेलीकॉप्टर की मदद के जरिए जो है रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुजरात के द्वारका की ये तस्वीरें हैं, सेना का हेलीकॉप्टर है और इसमें इन लोगों को पानी के बीचों बीच से रेस्क्यू किया गया है, उसके बाद सुरक्षित स्थान पर इन्हें भेजा गया और
हजारों की तादाद में गुजरात में जो लोग हैं वो फिलहाल राहत शिविर कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इलाकों में पानी भरा हुआ है। रेड अलर्ट लगातार बारिश का मौसम विभाग वहां पर जारी कर रहा है, तो ऐसे में जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं ये लोग अपने घर की तरफ वापसी नहीं कर पाएंगे। और घरों में जिस तरीके से पानी वहां पर घुसा है, तो ऐसे में घरों का सामान भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये इलाके गंभीर उन जगहों पर हैं, ये स्थिति जो है गंभीर उन जगहों पर ज़्यादा देखी जा रही है जहाँ पर नदियाँ हैं, आसपास डैम हैं, उनके उफान की वजह से निचले इलाके जो हैं पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सर, सिक्स एनडीआरएफ की एक टीम पिछले दो महीने से द्वारका तहसील में तैनात है, और अभी पिछले कुछ तीन या चार दिन से भारी मात्रा में वर्षा हुई है, जिसके कारण कई जगह पे वाटर लॉगिंग हुआ है। हमने यहाँ के लो लाइन एरिया का कई बार विजिट भी किया है और अच्छे तरीके से उस इलाके को देखा है। अभी हमारी टीम रेस्क्यू कार्य के लिए ही आगे खंबालिया तक रवाना हुई है। जैसे ही रोड के ऊपर वाटर फ्लो कम हो जाएगा तो हमारी टीम आगे रेस्क्यू कार्य के लिए बढ़ेगी। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जयेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयेश जी, देखिए एक तरफ तो चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है गुजरात पर, वहीं दूसरी तरफ हालात जो हैं पिछले कई दिनों से यहां पर काफ़ी गंभीर बने हुए हैं, और रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की भी सहायता ली जा रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लगातार मैदान में उतरी हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से क्या कुछ फिलहाल ताज़ा अपडेट है गुजरात के हर इलाके से? जी देखिए, ज़्यादातर जो एरिया है वहाँ से अभी पानी जो है कम होना शुरू हो चुका है, लेकिन आज जिस प्रकार से फिर से तेज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है, उसको देखते हुए फिर से वही हालात वापस पैदा होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है, और लोगों को इसी वजह से अलर्ट भी किया गया है। अभी तक मेरी जिस प्रकार से सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है, उसमें अभी तक 28 से 30 लोगों ने इस बाढ़ और बारिश के कहर से अपनी जाने गंवा दी है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 30 से 40 हजार लोग अभी भी जो है शेल्टर होम के अंदर रहने के लिए मजबूर है। अभी वो अपने अपने घरों में जा नहीं पाए हैं, क्योंकि वहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है और जो स्थिति है वो अभी भी इतनी सही नहीं हुई है कि वो अपने अपने घरों में लौट जाए और अपने घरों के अंदर हुए नुकसान का जायजा ले सके। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी लोग अंदर पानी के अंदर ही अपने अपने घरों के अंदर फंसे हुए हैं, वहां पर प्रशासन की ओर से फूड पैकेट वगैरह खाने पीने की और जीवन जरूरी चीजों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और उनको अपने घरों के अंदर ही सुरक्षित रहने के लिए अपील भी की जा रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये जो साइक्लोनिक एयर सर्कुलेशन जो कच्छ और सौराष्ट्र के जो तटीय इलाकों से गुजरने वाला है, तो अभी भी वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरा भारी बारिश का मंडरा रहा है, और आने वाले कुछ घंटे के अंदर स्थिति और ज्यादा खराब होने की जो है पूरी संभावना दिख रही है। ठीक है जयेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल रुक कर लेते हैं एक बार जामनगर का भी, यहां के भी हालातों का जायजा लेते हैं। जामनगर में भी भारी बारिश से हालात काफी खराब है। विधायक रिवाबा जडेजा ने कॉलोनियों में जाकर बाढ़ के हालात देखे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने निरीक्षण किया है। रिवाबा जडेजा बारिश से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए कमर तक भरे पानी में उतर गए। ये कॉलोनी की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर विधायक रिवाबा जडेजा जो हैं वो नज़र आ रही हैं, जो कि पहुँची हैं लोगों की मदद के लिए, हालातों का जायज़ा लेने के लिए। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जयस लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयस, देखिए कॉलोनियों में पानी जो है वो काफ़ी ऊपर तक भरा हुआ है, ऐसे में यहाँ पर विधायक रिवाबा जडेजा पहुँची, जो कि खुद उस पानी में उतरी और जायज़ा लिया है सारे हालातों का। रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर भी चलाया जा रहा है लगातार। जी बिल्कुल, स्थानीय विधायक है जामनगर के, और लोगों के बीच रहने के ये जाने जाते हैं। ये हमेशा ही ऐसी कैसी भी परिस्थितियों में लोगों के पास जाने की कोशिश वो करते हैं। पहले भी ऐसे कई मामले हुए हैं जिसमें किसी भी संकट के समय वो बाकी प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ वो खुद भी वहाँ घटनास्थल पर पहुँच जाते थे, तो ये उनकी एक लोगों के साथ ऐसी कनेक्टिविटी रही है कि वो संकट में अपने इलाके के लोगों को अकेला नहीं छोड़ते हैं, और इसी कारण से उन्होंने भी स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद
पानी में उतर के लोगों का संपर्क किया था, लोगों के साथ संवाद किया था, और जो भी उनकी मुश्किलियां हैं वो जानी थी, और उसके बाद जो है उनको मदद पहुंचाने की कोशिश उन्होंने की थी। तो ये एक जो है एक राजनेता का एक अच्छा नेचर सामने आया है कि संकट के समय में अपने इलाके के लोगों के साथ वो रही है और उनके पास जाकर उनकी समस्याओं का, उनकी मुश्किलियों के बारे में जानकारी लेकर उनको मदद पहुंचाने की कोशिश उन्होंने की थी। ठीक है जय सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। नजर आप फिलहाल गुजरात के हालातों पर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम समय समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। वडोदरा में बाढ़ के बीच लोग घरों में कैद हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट वहां पर गिराए जा रहे हैं और लोगों को सहायता प्रोवाइड की जा रही है। ये तस्वीरें आप सीधा देखिए, वडोदरा की ये तस्वीरें हैं और ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त पानी जो है काफ़ी भरा हुआ है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में उन लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर लगातार ऊपर से सामान इन लोगों तक पहुंचा रहा है, मदद करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये एक के बाद एक पैकेट्स जो हैं हेलीकॉप्टर से नीचे पहुँचाए जा रहे हैं लोगों के घरों पर, ताकि जिस तरीके से वहाँ पर हालात बने हुए हैं, लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, तो ऐसे में हालात उनके काफ़ी इस वक्त ख़राब हैं। तो हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वडोदरा में विश्वामित्री नदी उफान पर है, नदी का पानी पूरे शहर में आ चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, वडोदरा की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में देखिए जो गलियां थी यहाँ की वो अब पूरी तरह से नदी का रूप ले चुकी हैं, और मानो ये गलियां देखकर कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये गलियां हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है, बहाव पानी का जो है उसे देखकर यही लग रहा है मानो यहाँ से नदी कोई बहती हुई जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए पूरे इलाके की, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, लोग अपने घरों में कैद हैं। अहमदाबाद में बाढ़ के पानी में कार फंस गई, इसके बाद कार से लोगों का बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से लगातार पानी का स्तर ऊपर बढ़ता जा रहा है, मुश्किलें उसी तरीके से बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर ये कार है जो कि पानी में पूरी तरह फंस चुकी है, कड़ी मशक्कत यहाँ पर इस कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए की गई है। इस कार में सवारियाँ मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, और अचानक से पानी का स्तर इतना बढ़ता चला गया कि ये लोग इस कार में ही फंस कर रह गए। लेकिन गनीमत ये रही कि तुरंत वहाँ पर रेस्क्यू के लोग आगे आए और कड़ी मशक्कत वहां पर की गई, उसके बाद इन्हें कार से निकाला गया। अहमदाबाद के हर इलाके से, गुजरात के हर इलाके से आपको सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिएगा कि हालात कितने गंभीर वहां पर बने हुए हैं। लगातार मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हर इलाके में नजर आ रहे हैं और पानी का स्तर जो है वो काफी ऊपर जा चुका है, जिसको सामान्य होने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। अहमदाबाद में भी लोगों को खाने और लंच के पैकेट जो हैं वो बांटे गए हैं, क्योंकि यहाँ कॉलोनियों में पानी भर गया है। ये तस्वीरें देखिए, मदद जो है हर इलाके तक पहुँचाई जा रही है प्रशासन द्वारा, जिस कदर इलाकों में पानी भरा हुआ है ऐसे में लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें जो हैं इस वक्त सामने हैं, और वहीं पर प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ पूरा मोर्चा संभाले तैनात है। लोगों तक खाने के पैकेट टाइम टू टाइम पहुँचाए जा रहे हैं, ताकि कम से कम जिस तरीके से लोग वहाँ पर अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घरों का सामान जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, ऐसे में लोगों को जो ज़रूरत का सामान है वो पहुँचाया जाए और मदद की जाए, इसका पूरा ध्यान जो है प्रशासन वहाँ पर रखे हुए है। लोगों तक खाना लगातार पहुँचाया जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर देखिए गलियों में बोट की सवारी होती नजर आ रही है, जैसे मानो किसी स्विमिंग पूल का ये नज़ारा हो, ऐसे नज़ारे ऐसी तस्वीरें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। बाद बड़ौदा, सूरत, राजकोट, जामनगर, भावनगर जैसे सभी महानगरों में जो बाढ़ जैसी परिस्थिति का जो निर्माण है वो यहाँ पर हो गया है। आप देख सकते हैं अहमदाबाद का पूर्व इलाका है जो कठवाड़ा, वहाँ पर ये आप जो पानी के दृश्य जो आप देख रहे हैं, कैसे दृश्य यहाँ पर जो है वो दृश्यमान हो रहे हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर एक तकरीबन 4.5 से 5 फुट जितना पानी जो है वो यहाँ पर जो है अभी भरा हुआ है। हालांकि कॉरपोरेशन के द्वारा हर बार जो है वो प्री मानसून कामगिरी की बात जो है वो कही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार इसी प्रकार की परिस्थितियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। एक और हालात अब जूनागढ़ के, जूनागढ़ में भी बाढ़ में बब्बर शेर भी घिर गया। देखिए कैसे ये पानी को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ये तस्वीरें देखिए,
जूनागढ़ की तस्वीरें हैं गुजरात की, और बब्बर शेर यहाँ पर पानी में फंस चुका है, जो कि पानी का जो रास्ता है उसको पार करने के लिए विचार विमर्श करता यहाँ पर नजर आ रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि बब्बर शेर तक इस पानी में जाने से डर रहा है और यहाँ पर रास्ता पार करने के लिए विचार विमर्श करने की जरूरत पड़ रही है। भारी बारिश के चलते गुजरात के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें जो सामने आ रही है वो देखिए, जूनागढ़ की ये तस्वीर है और बब्बर शेर यहाँ पर नजर आ रहा है। और अब देखिए कुछ हिम्मत करते हुए आगे बढ़ता हुआ बब्बर शेर, और हालांकि जिस तरीके से फंस चुके हैं यहाँ पर, तो ऐसे में चारों तरफ निगाहें पसार करके देखा जा रहा है कि किस तरीके से रास्ता यहाँ से पार किया जाए। उस पार जंगल है, इस पार पहाड़ी इलाका ये नजर आ रहा है, बीच में पानी का तेज बहाव है। मेहसाना में इतना पानी बढ़ गया है कि डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, मेहसाना के डैम की तस्वीरें हैं और गेट यहाँ पर डैम के लगातार खोले जा रहे हैं, क्योंकि पानी इस कदर बढ़ गया है कि ओवरफ्लो डैम हो चुके हैं। और ऐसे में इन्हीं के आसपास के जो इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं फिलहाल मुसीबतों से।